बिहार की जातिगत जनगणना जिसे कराने के लिए केंद्र सरकार नकार रही है, तो ही प्रदेश सरकार और विपक्ष लगातार मांग कर रही है। क्या है मामला, कब तक होगा जातिगत जनगणना, कुछ सवालों के जवाबों के साथ मैं दिवाकर पांडे हाजिर हूं। स्वागत है आपका अजय भारत में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 10 पार्टियों के नेता सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। इन नेताओं ने 2021 की जनगणना में जातिगत गणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार की जातियों के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी दी है, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग को नकारा नहीं है। तेजस्वी बोले कि जब पेड़ पौधे की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, ये भी तो राष्ट्रहित में है। आपको बता दें कि बिहार में भाजपा को छोड़कर सभी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार समेत कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता भी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पहले ही इससे इनकार कर चुकी है। जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है? जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारण हो सकेगा। वही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों इनकार कर रही है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। आपको बता दें कि देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उन्हें जारी नहीं किया गया। आज़ादी के बाद सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया था। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं किए गए। इसके साथ ये भी आपको बताते चले कि आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में एससी और एसटी का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा इस तरह पब्लिश नहीं होता है। इस तरह का डेटा नहीं होने के कारण देश की ओबीसी आबादी का ठीक ठाक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अजय भारत। नमस्कार।